तो आइए एक पावन कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उधर कालिया नाग रोहित को डस रहता है। सूचना माँ को लगती है कि तुम्हारे लाल को कालिया नाग ले आया है। माँ जाकर विलाप करती है, कहती है हे लाल, जीवन में दुख दुख क्या कम थे जो एक तुमने और मेरा साथ छोड़ दिया। आज विलाप कर रही है तारा अपने पुत्र को गोद में से लिए रो रही है, कह रही है हेलो हेलो और हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता, हो हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता, ओ
और आज मेरा इकलौता पुत्र था तू, हे रोहित, हे मेरे राजकुमार, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। अपने लाल को गोद में लिए आज मां उसकी अंतिम यात्रा में निकल पड़ी और जाकर घाट पर गई। वहां राजा हरिश्चंद्र मिले, कहा कौन है यहां पर, पहले कर देना पड़ेगा, इसके बाद में इसकी अंतिम क्रिया करने दूंगा। आज मां की आत्मा तड़प रही थी कि देख कर लेने के लिए भी एक पिता मजबूर है। आज अपने आप धर्म का पालन आज सब कर रहे हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। अरे मरे हटे ले आए लाश हम, जय हो, और आपकी कसम, आपकी कसम, हे स्वामी मैं आपका ही लाला है, मैं कैसे आपको बताऊं, आज मेरी गोदी में आपका लाला लेकर आई है। मरे घटे में लाल की ले आए लाश हम, आपकी कसम,
हाल सुनाया राजा को। अरे पूजा को मंगाया फूल फूल ले गए राजकुमार। आइए राही का आदेश था। अरे दही पे चन चली ले, दही पे चन चली ए हो, और दही पे चन चली ले, दही पे चन चली ले, दही पे चन चली। अरे नार नबली गोपी प्यारी, हो दही पे चन चली, दही पे चन चली, नार नबली गोपी प्यारी।